तो कहीं ना कहीं वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओला की होनी चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर इस तरह का करता है तो ओला के ऊपर भी एफआईआर की जानी चाहिए, तभी इस पे चेक लगेगा। क्योंकि जब एक महिला बुक करती है टैक्सी या कोई भी बुक करता है तो वो ओला को करता है न कि एक टैक्सी ड्राइवर को, इसलिए जरूरी है कि ओला को जवाबदार बनाया जाए। ड्राइवर यूं ही एक औरत के शरीर पे हाथ डाल दे, ये उसकी हिम्मत कैसे आ गई? अब ये जो बहुत सीरियस इशू है औरतों की स्वतंत्रता को लेके, उनकी ऑटोनॉमी को लेके, ये हादसा सीबीआई देना या सीओडी देना, किसी को दिए तो भी क्या इसका इंसाफ हो रही है, क्या इंसाफ मिल रही है क्या? हमें ऐसा लगता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को महिलाओं का रक्षा के बारे में कोई इच्छा नहीं है, कोई विल नहीं है। वो चाहते नहीं कि महिला आराम से और निर्भय से जिंदगी जीना, इसलिए महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और जरूर होकर दलित लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रही है।